दोस्तों, अगर आपकी भी सीजी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट खो गई है और मार्कशीट खो जाने के बाद आपको ज़रूरत है ओरिजिनल मार्कशीट की, तो कैसे आप डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे हुए विद इन 15 डेज के अंदर आप कैसे अपना ओरिजिनल मार्कशीट रिसीव कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए यहाँ पे इंटरफेस चेंज हो चुका है। जो मेरी ओल्ड वीडियो है उसके अंदर ओल्ड इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट का। तो अब यहाँ पे आपको जाना कहाँ पे है, यहाँ पे आपको जाना है स्टूडेंट कॉर्नर के ऑप्शन पे। स्टूडेंट कॉर्नर के ऑप्शन में देखिए ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे स्टूडेंट हेल्प डेस्क। स्टूडेंट हेल्प डेस्क न्यू का नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन में हम क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ से आप मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट या फिर अपना डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट और स्टूडेंट पोर्टल का, जहाँ से आप मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है डिग्री का, तो आप ऑनलाइन भी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर आपको मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ में थर्ड ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट पोर्टल का, जिसको आपको स्किप कर देना, इसमें आपका कोई काम नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है, जिसको मैं यहाँ पे रीड करके बता देता हूँ इसका मतलब क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन के अंदर मेंशन है, जो आप मार्कशीट के लिए अप्लाई करते हैं, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए कुछ चार्जेस रखा गया है जो सीजी यूनिवर्सिटी द्वारा रखा गया है। साथ में अगर आप इसको डाक के थ्रू मंगाते हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा, अगर आप इसको अर्जेंट मंगाना चाहते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना होगा। बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट है आपके, विद इन 7 डेज के अंदर आपका डिलीवर होगा अगर आप अर्जेंट मंगाते हैं। अगर आप नॉर्मल वे में मंगाते हैं तो 7 डेज आपका एक्स्ट्रा लगे, यानी 15 डेज में आपका डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो ये मेंशन किया गया है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अंदर। साथ में बात करते हैं अगर आप यहाँ पे मार्कशीट के अंदर कोई संशोधन करना चाहते हैं, यानी मार्कशीट के अंदर करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कुछ डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको अपने हाई स्कूल या 10th या 12th के डॉक्यूमेंट आपको साथ अटैच करने होंगे। साथ ही यूनिवर्सिटी द्वारा प्राप्त आपकी जो जितनी भी मार्कशीट वगैरह हैं वो आपको साथ में अटैच करनी होगी, ओरिजिनल मार्कशीट। साथ में एक आधार कार्ड आपको ऐड करना होगा डॉक्यूमेंट के रूप में, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट देने होंगे हमें अपनी मार्कशीट के अंदर करेक्शन कराने के लिए। बात करते हैं अगर आप ऑनलाइन ट्रांसक्रिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस केस के लिए आपको यूनिवर्सिटी द्वारा प्राप्त सारी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट के रूप में, और एक आईडी कार्ड के रूप में आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। बात करते हैं डिग्री अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको अपना फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, साथ में एक आधार कार्ड अपलोड करना है। साथ ही आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको अपना इंटर्नशिप की कॉपी भी अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट रूप में, अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे एक नोट मेंशन किया गया है, अगर आप अपनी मार्कशीट के अंदर संशोधन यानी करेक्शन या फिर अपडेट करना चाहते हैं अपनी मार्कशीट को, तो इसके रिगार्डिंग आपको करना क्या है, जब आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर दें उसको फाइनल प्रिंट आपको निकालना है, और साथ में जो आपकी मार्कशीट है, जितनी भी मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है, वो सारी ले जाके आपको सहायता केंद्र पर सबमिट करनी होगी। यानी जो आपका फाइनल प्रिंट रहेगा एप्लीकेशन का, साथ में आधार कार्ड और जो आपकी मार्कशीट रहेंगी सारी जो आपको कॉलेज से प्राप्त हैं, वो सारी आपको सहायता केंद्र पर सबमिट करनी होगी। सबमिट करने के बाद ही आपकी मार्कशीट के अंदर जो करेक्शन होकर आपकी न्यू मार्कशीट आपको मिलेगी। तो ये मेंशन किया गया है। साथ ही यहाँ पे मेंशन किया गया है जो ऑनलाइन से जुड़े जो भी आपके काम हैं उसके लिए आपको खिड़की नंबर 4 पे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। अब बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको उसमें मिलता है सबसे पहले मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट और स्टूडेंट पोर्टल का, जहाँ पे आपको उसमें मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट पोर्टल। सबसे पहले हमें क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है आपने अपना, तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नेम मेंशन करना है, जिसमें आपको नेम इंग्लिश और हिंदी में मेंशन करना है। तो आपको अपना राइट नेम यहाँ पे मेंशन करना है, साथ में इसके बाद फादर्स नेम मेंशन करना है इंग्लिश और हिंदी में, मदर्स नेम मेंशन करना है इंग्लिश और हिंदी के अंदर। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर मेंशन कर देना है, जैसा आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल है वैसे ही आपको रोल नंबर मेंशन कर देना है, साथ में एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे वर्किंग मोबाइल नंबर आपको मेंशन कर देना है, साथ ही आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपका जो भी कोर्स का नेम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों अगर आपको यहाँ पे आपका कोर्स का नेम शो नहीं कर रहा है तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यूनिवर्सिटी जाके ही अपने जो डॉक्यूमेंट लेके, डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन प्रोसेस में,
वो ले जाके आपको खिड़की नंबर 4 पे सबमिट करके आपको प्रोसेस जो अपना कंप्लीट करना है, वहीं से आपकी डुप्लीकेट मार्कशीट या आपकी ओरिजिनल मार्कशीट ट्रांसलेट आपको मिलेगा। तो आपका जो भी यहाँ पे कोर्स का नेम है वो आपको सिलेक्ट करना है अगर अवेलेबल है तो, अदरवाइज आपका यहाँ पे कोर्स का नेम अवेलेबल नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको अपडेट कर दूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोर्स का नेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट का नेम मेंशन कर देना है। तो जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट किया है उसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, जो मेन सब्जेक्ट का उसका नेम मेंशन कर देना है आप। इसके बाद उसमें मिलता है डिवीजन, आपकी डिवीजन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फेल है आप, वो आपको डिवीजन आप सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद उसमें मिलता है नेम ऑफ कॉलेज, तो आपका नेम ऑफ कॉलेज यानी जो कॉलेज का नेम है आपका वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में सुनता है रेगुलर किया है आपने, प्राइवेट किया है कोर्स, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। किस ईयर में आपने पास किया है वो कोर्स, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद टिप्पणी का ऑप्शन आता है आपके यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कमेंट्स के अंदर कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साथ में आपको अपना ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ईमेल एड्रेस का, तो यहाँ पे आपको अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो आप नॉर्मल पासवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस का, तो यहाँ पे देखिए आपको अपना एड्रेस वही फिल करना है जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस होगा, क्योंकि इसी एड्रेस पे बाय पोस्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेंड किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस के अंदर अपना फुल एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना है, अपना स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है। इसके बाद हमें देखिए राइट कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा डॉक्यूमेंट का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो मार्कशीट अपलोड करने का और दूसरा आधार कार्ड अपलोड करने का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो मार्कशीट अपलोड करनी है वो अपनी ओरिजिनल कॉपी की, जो मार्कशीट की कॉपी है वो ही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, यानी आप रिजल्ट की कॉपी अपलोड कीजिएगा तो आपके पास जो आपकी मार्कशीट आपके पास रिसीव हुई है ओरिजिनल मार्कशीट उनकी फोटो कॉपी ही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अपनी ऑल ईयर की मार्कशीट है, यानी आपने 3 ईयर का आपका कोर्स है, 4 ईयर का आपका कोर्स है, 5 ईयर कोर्स है, उसी हिसाब से आपको अपनी जो सारी मार्कशीट है आपको एक PDF फाइल आपको रेडी करनी है और उस PDF फाइल का साइज आपको मैक्सिमम 500 KB रखना है। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल का क्लिक करके आपको अपने ऑल ईयर की जो मार्कशीट है यहाँ पे अपलोड कर लेनी है और अपलोड फाइल क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी, क्योंकि हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब देखिए हमें अपना यहाँ पे सेम तरीके से अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, आधार कार्ड हमें बोथ साइड से अपलोड करें, इसमें हमारा एड्रेस भी मेंशन होगा। तो फॉर्मेट हमारा PDF रहेगा, मैक्सिमम साइज आपको 500 KB रखना है, चूज फाइल क्लिक करके हमें अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर लेना है। तो देखिए हमारा आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड हो चुका सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए आप डाउनलोड अटैचमेंट का क्लिक करके अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको चेक भी कर सकते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए आपने जो मार्कशीट और अपना आधार कार्ड अपलोड करा है वो सही अपलोड करा है नहीं करा है, क्योंकि एक बार आप फाइनल सबमिट का क्लिक करने के बाद आप दोबारा अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, यह मैं आपको बता दूं पहले ही। तो आपको अपने राइट डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको चेक भी कर लेना है और उसके बाद फाइनल सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे देखिए आ जाने के बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन पासवर्ड आपको SMS के थ्रू आपके मोबाइल में सेंड भी कर दिया जाएगा, तो उनको आप सेव कर लीजिएगा। अब बात करते हैं डैशबोर्ड पे जाने के बाद देखिए आपको फिर कब सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए, ओरिजिनल मार्कशीट के लिए, ट्रांसक्रिप्ट के लिए या मार्कशीट अपडेट कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे आप होम पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपने किस किस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है वो आपको मेंशन होगा, साथ में अपलोड डॉक्यूमेंट उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको शो कर जाएंगे। अप्लाई एंड फी पेमेंट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे किस किस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसमें आपने अप्लाई किया है। प्रिंट के ऑप्शन पे आपको मिलेगा, आप यहाँ से अपना जिस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, उसका फी प्रिंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो चेंज पासवर्ड ऑप्शन भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम आ जाते हैं अप्लाई एंड फी पेमेंट के ऑप्शन पे, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिलता है, आप करेक्शन कर सकते हैं अपने मार्कशीट के अंदर नेम में, साथ में बात करते हैं आप डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ में मार्कशीट को अपडेट करा सकते हैं, साथ में जो प्रोफेशनल मार्कशीट है आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है टिल 2003 तक आप अपनी मार्कशीट को यहाँ पे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 डॉक्यूमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। साथ ही यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट की फीस भी मेंशन की गई है, अगर आप अपने मार्कशीट के अंदर करेक्शन कराते हैं तो आपको 250 रुपीज़ का चार्ज देना होगा, अगर आप डुप्लीकेट मार्कशीट मंगाते हैं तो आपको 130 रुपये का चार्ज देना होगा, साथ ही अगर आप मार्कशीट के अंदर अपडेट करते हैं तो आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अगर मार्कशीट मंगाते हैं ओरिजिनल मार्कशीट तो आपको 130 रुपये का चार्ज देना होगा, साथ ही अगर आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ फीस देनी होगी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फीस रखी गई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम अप्लाई कर रहे हैं अपने डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए, इसके लिए हमें 130 रुपये फीस देनी होगी। तो इसके सामने हमें अप्लाई नाउ के उसमें क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद देखिए आपको आपके एप्लीकेशन की डिटेल शो करेगी। इसमें आपको चेक कर लेना है कि आपकी डिटेल सारी सही है नहीं है। डिटेल चेक करने के बाद आपको उसमें मिलता है डिस्क्रिप्शन का, तो आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। बात करते हैं कॉपी, तो यहाँ पे देखिए आपको कितनी कॉपी मंगानी है अपने डुप्लीकेट मार्कशीट की, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी। तो यहाँ पे आप जितनी कॉपी भी अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपको चार्जेस देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे एक ही कॉपी मंगाना चाहते हैं अपनी ऑल ईयर की जो मार्कशीट है उनकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम वन सेलेक्ट करते हैं, फिर सबमिट उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं जो हमारी एप्लीकेशन देखिए सबमिट हो जाए सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लोज कर लेना है फॉर्म को। क्लोज करने के बाद देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे जहाँ पे शो करेगा जो हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, अप्लाइड हो चुकी है सक्सेसफुली। और अब हमें क्या करना है, क्या है हमें करना है अपना फ़ी का पेमेंट। तो हमें यहाँ पे फ़ी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, तो देखिए हमें डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई करने के लिए जो फीस पे करनी होती है 130 रुपये पे करनी होती है। तो हमने एक कॉपी सेलेक्ट किया, उस हिसाब से हमें यहाँ पे फीस शो कर रही है। आते देखिए जो मार्कशीट हमारी है डाक के थ्रू आएंगी, जिसके लिए आपको 100 रुपीज़ साथ में ऐड कर रहेगा आपका यहाँ पे, तो 100 रुपये आपका यहाँ पे डाक का आपको फीस देना होगा। बात करते हैं अगर आप अर्जेंट मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। तो यहाँ पे अर्जेंट के ऑप्शन पे आपको टिक करना है तो आपको 200 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप अर्जेंट मंगाना चाहते हो तो अर्जेंट मंगा सकते हैं, जिसमें आपका जो मार्कशीट है वो 7 डेज के अंदर आपके एड्रेस पर डिलीवर कर जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप चाहे ट्राई कर सकते हैं, जो आएगी वो अपने टाइम पे ही। तो जो अर्जेंट है वो 7 डेज के अंदर आ जाती है और नॉर्मल डेज में 15 डेज का टाइम लगता है। तो अपने हिसाब से आप अपना जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें पे फी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पर जाएंगे जहाँ पे आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जल्दी से हम यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं, आप भी अपनी पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद देखिए आपके सामने जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाती है, इसको आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है। तो फी रिसिप्ट को अपने पास डाउनलोड करके या फिर इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रखने के बाद हमें अपने बैंक आ जाना है और हमें आ जाना है प्रिंट के ऑप्शन पे। प्रिंट के ऑप्शन देखिए आपने जिस भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है वो उसकी डिटेल आपके सामने शो होगी। तो हमने अभी यहाँ पे डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई किया है जिसके लिए हमें फीस पे की है। साथ में यहाँ पे प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको क्लिक किया तो प्रिंट फॉर्म के ऑप्शन में क्लिक करके आपको जो फाइनल प्रिंट रहेगा एप्लीकेशन का वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। बात करते हैं अगर आपने रिसिप्ट डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्रिंट रिसिप्ट को क्लिक करके रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है, तो अब हमें आ जाना है होम के ऑप्शन क्लिक करके होम पे। होम पे देखिए आपने जिस भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है उसकी डिटेल शो करेगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमने डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अपना अप्लाई किया है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटस जो शो कर रहा है हमारा, डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा, जो रिक्वेस्ट है वो हमारी अंडर प्रोसेस है, और देखिए रिमार्क्स के ऑप्शन में हमें शो कर रहा है पेंडिंग। तो देखिए अब हमें वेट करना है अपना, यहाँ पे आपको चेक करते रहना है जो आपका स्टेटस चेंज हुआ है नहीं हुआ है। तो आप लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं स्टेटस, या फिर आप लॉग आउट करके बाहर से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको मिलता है स्टेटस का, इसमें उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको मार्कशीट और ट्रांजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना यहाँ पे रोल नंबर या फिर मोबाइल नंबर मेंशन करना है और फिर सर्च ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी जो डॉक्यूमेंट की डिटेल है, जिस डॉक्यूमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी डिटेल शो कर जाएगी। साथ ही हमें स्टेटस शो करता है डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट है और रिक्वेस्ट हमारी अंडर प्रोसेस है, और रिमार्क्स के अंदर हमें पेंडिंग शो कर रहा है, और ट्रैकिंग आईडी नंबर हमारा भी जनरेट नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों जब आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा तो आपको स्टेटस के अंदर रिक्वेस्ट कंप्लीट शो करेगा, रिमार्क्स कुछ आपको शो करेगा और ट्रैकिंग आईडी नंबर शो हो जाएगा, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पहुँचा है कहाँ नहीं पहुँचा है। तो अब हमें वेट कर लेना है यहाँ पे। अगर आपने अर्जेंट अप्लाई किया तो 7 डेज के अंदर आपको वेट करना है, यानी 3 डेज बाद आपको चेक करना है स्टेटस चेंज हुआ है नहीं हुआ है। अगर आपने नॉर्मल अप्लाई किया हुआ है तो आपको वेट करना है 7 डेज का। देखिए दोस्तों कुछ दिनों बाद मैं अपना स्टेटस दोबारा से चेक करता हूँ, सर्च स्टेशन क्लिक करने के बाद मार्कशीट और ट्रांसिस्ट्रेशन क्लिक करता हूँ। आपको अपना रोल नंबर या फिर मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन फिल कर लेना है, सर्च क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपने जिस भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है उसकी डिटेल शो करेगी। तो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई किया है उसकी डिटेल शो कर रही है, जो यहाँ पे देखिए स्टेटस अब हमारा शो कर रहा है रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है हमारी। साथ में स्टेटस शो कर रहा है जो योर डाक कंप्लीटेड सेंड बाय पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट के द्वारा जो हमारी डाक है डॉक्यूमेंट है वो सेंड कर दिया गया है हमारे एड्रेस पे, जो हमें रिसीव भी हो चुके हैं, और साथ में एक ट्रैकिंग आईडी नंबर भी मिलता है हमें। तो अगर आपको रिसीव नहीं हुए हैं तो आप जो ट्रैकिंग आईडी नंबर मिला है उससे आप नियर बाई जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जाके इस ट्रैकिंग आईडी नंबर से आप पता कर सकते हैं कि आपको जो डाक है डॉक्यूमेंट आए हैं आपके वो आपके रिसीव हुए हैं उस पोस्ट ऑफिस पे। अगर रिसीव हुए हैं तो वो डिलीवर क्यों नहीं हुए हैं अभी तक आपके एड्रेस पे, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं।
बात करते हैं अगर आपके एड्रेस पर आपके डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुए हैं विद इन 15 डेज के अंदर या 1 मंथ के अंदर भी, तो आप सीनियर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको अपना ये स्टेटस दिखाना है, अपना ट्रैकिंग आईडी नंबर बताना है, और वहाँ से आपको अपने मार्कशीट जो डुप्लीकेट मार्कशीट है वो रिसीव कर लेनी है। हो सकता है कुछ केस में आपके एड्रेस पर आपका एड्रेस रॉन्ग है या एड्रेस पर आप मिले नहीं है तो वो रिटर्न कर दी जाती है आपका डॉक्यूमेंट, तो आप जाके यूनिवर्सिटी जाना होता है, उस केस में यूनिवर्सिटी जाके आपके डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। तो यह दोस्तों क्लियर हो गया कैसे आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे जुड़ी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया। थैंक यू।